गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी विल अंडरस्टैंड एमएस वर्ड। जब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो इस तरह का हमारे पेज पास पेज ओपन होता है। गेटिंग स्टार्टेड विद एमएस वर्ड। एमएस वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं? वर्ड प्रोसेसर ऑफर यू फ्लेक्सिबिलिटी टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स बाय मेकिंग चेंज टू द फॉन्ट, द पेज लेआउट, द कलर एंड द पेज स्टाइल। एम एस वर्ड में हम जो भी मैटर टाइप करते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें कलर चेंज कर सकते हैं, उसका पेज लेआउट हम चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी हमें एम एस वर्ड देता है, इसलिए हम एम एस वर्ड को यूज करते हैं, हमारे काम को ईजी कर देता है। गेटिंग स्टार्टेड विद एम एस वर्ड। एम एस वर्ड को हम स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट बटन में जाएंगे, उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम एम एस ऑफिस पर क्लिक करेंगे और एम एस ऑफिस में हम एम एस वर्ड पर क्लिक करेंगे जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, और फिर हमारे पास एक पेज ओपन होगा। इस तरह से हमारे पास एक पेज ओपन हो जाता है। वेन यू सी द कर्सर ब्लिंकिंग यू आर रेडी टू टाइप। जब आपके पास एक कर्सर पेज में दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपका पेज कुछ भी मैटर लिखने के लिए रेडी है। अदरवाइज यूज योर माउस टू क्लिक एनीवेयर ऑन द राइट पार्ट ऑफ द पेज। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो आप माउस से कोई भी कमांड कंप्यूटर में एम एस वर्ड के पेज पे दे सकते हैं। नेविगेटिंग विथ इन ए डॉक्यूमेंट्स। यूज योर माउस टू क्लिक एनीवेयर दैट यू कैन टाइप टेक्स्ट। आप अपने माउस को यूज कर सकते हो, जहाँ भी आपको टाइप करना है वहाँ पे आप माउस से क्लिक कर सकते हैं। यू कैन यूज द एरो की ऑन योर कीबोर्ड टू मूव द कर्सर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। आप अपने एरो की को भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको कुछ टाइप करना है उससे एरो की से अप डाउन लेफ्ट राइट उससे कर्सर को ले जा सकते हैं। द होम की मूव्स द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन। होम की जो है वो कर्सर को लाइन के शुरू में ले जा लेगा। द एंड की विल टेक इट टू एंड द लाइन, और एंड की इसे लाइन के लास्ट में ले जाता है। सेविंग ए फाइल। फाइल को हम सेव कैसे करते हैं? हम सबसे पहले ऊपर जाएंगे फाइल में और वहाँ पर हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, या फिर क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे एक सेव का बटन भी होता है, वहाँ से भी हम क्लिक करके सेव कर सकते हैं फाइल को। तो जब हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें वो हमें फाइल का नाम पूछता है, तो हम फाइल का नाम वहाँ पर डालेंगे। और फाइल को सेव कहाँ करना है, डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है या कहीं और हमें सेव करना है, वो हम चूज करते हैं और फिर हम सेव पे क्लिक करते हैं, हमारी फाइल सेव हो जाती है। एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। एडवांस वर्ड प्रोसेसर इंक्लूड स्पेशल टूल्स दैट हेल्प यू ईजिली एडिट और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स। एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स में ईजिली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, जस्टिफाई, रीएलिजिन टेक्स्ट, चेंज फॉन्ट पैरामीटर्स, चेंज पैराग्राफ स्पेसिंग, वेरियस ऑफ एडिटिंग एंड इंफॉर्मेशन फंक्शन। ये बहुत सारे फंक्शन हम उसमें यूज कर सकते हैं। कट कर सकते हैं, मैटर को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, अंडू कमांड दे सकते हैं, रीडू दे सकते हैं, एलिजमेंट उसमें हम कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। ये सारी कमांड हम एमएस वर्ड में दे सकते हैं। मैटर को हम कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद उसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले हमने जो भी मैटर हमने एमएस वर्ड में लिखा, हमने उसे सेलेक्ट किया, उस पर क्लिक किया और माउस के लेफ्ट बटन को हमें प्रेस करना है और उसे लास्ट तक जहाँ तक हमें कॉपी करना है वो मैटर हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और कॉपी पे क्लिक करेंगे, या फिर हम जो हमारा रिबन होता है वहाँ पे भी हमें कॉपी का फंक्शन दिखाई देता है, हम वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं।
उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें वो मैटर पेस्ट करना है, हम कर्सर माउस से वहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे और हम फिर पेस्ट कर देंगे, तो जो भी हमारा मैटर है वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कट एंड पेस्ट, कट और पेस्ट के द्वारा, कट करके भी हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कॉपी किया था, तो कॉपी से हमारा जो मैटर है वहाँ पे भी कॉपी है, जहाँ पे हमने पेस्ट किया वहाँ पे भी वो मैटर वहाँ पे चला गया। लेकिन कट में क्या होगा, जहाँ पे हम मैटर को कट करेंगे वहाँ से वो हट जाएगा, और जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहीं पे वो पेस्ट हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माउस से उसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने कॉपी वाले फंक्शन में किया था, हमने पूरा मैटर सेलेक्ट किया, उसके बाद हम उसे राइट क्लिक करेंगे माउस से, और फिर हम कट पे क्लिक करेंगे, तो वो मैटर वहाँ से कट हो जाएगा। और हम दोबारा जहाँ पे हमें वो पेस्ट करना है या हमें दूसरी कोई फाइल ओपन करनी है, तो हम वो फाइल ओपन करेंगे, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे माउस से, और फिर हम वहाँ पे माउस से राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी मैटर हमने वहाँ से कट किया था वो मैटर वहाँ पे आ जाएगा और वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, सारा मैटर वहाँ पे वो आ जाएगा, और जहाँ से हमने कट किया था वहाँ से वो हट जाएगा। कट और कॉपी में यही डिफरेंस है, कट वाले में जो मैटर हम कट करते हैं वो वहाँ से कट हो जाएगा जहाँ पे पेस्ट करते हैं, और वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा, वहीं पे आ जाएगा। और कॉपी वाले फंक्शन में क्या है, वो मैटर हमने वहाँ से कॉपी किया और जहाँ पे हमें पेस्ट करना हमने वहाँ पे पेस्ट किया, तो वो दोनों जगह ही सेव होगा, वहाँ पर जहाँ से हमने कॉपी किया वहाँ पे भी रहेगा, जहाँ हमने पेस्ट किया वहाँ पे भी रहेगा। लेकिन कट वाले में जहाँ से हमने कट किया वहाँ से मैटर हट जाएगा, और जहाँ पे हमने पेस्ट किया है वो मैटर वहाँ पे फिर आ जाएगा, और वहाँ से कट वाले से हट जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे और MS Word की बाकी कमांड देखेंगे। थैंक यू।